सैमसंग ने अपने नए स्मार्टफोन M31S को यहाँ पे स्लॉट किया है 30 जुलाई के लिए, वो भी अमेजन इंडिया पे। क्या खास है इस फ़ोन में, क्या चीज़ इसको खास बनाती है, क्यों आपको इसे बाय करना चाहिए और क्यों ये मस्ट बाय है 20K के अंडर की रेंज में, सब चीज़ें हम जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ कुछ एक्सक्लूसिव फुटेज इस फ़ोन के बारे में, कैसा डिस्प्ले रहेगा, क्या रैम वेरियंट रहेंगे और किस प्रकार का ये दिखेगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल मो गेम टेक में, जहां पे हम डिस्कस करते हैं स्मार्टफोन गेमिंग और टेक्नोलॉजी। आज का हमारा डिवाइस है सैमसंग गैलेक्सी M31S। जैसे कि दर्शकों आपने पहले भी देखा होगा, मैंने इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाया था जिसमें पूरी स्पेसिफिकेशन इसका इन डेप्थ रिव्यू की, कैमरा सेटअप्स क्या होने वाले हैं, क्या स्पेशल फीचर्स आने वाले हैं इसके कैमरा में और क्या क्या चीज़ यूनिक होने वाली है, मैंने सब कुछ उसमें डिस्क्राइब किया था। इस वीडियो में मैं आपको वो 5 स्ट्राइकिंग चीज़ें बताने वाला हूँ इस फ़ोन के लिए, जो इस फ़ोन को बहुत ही एक्साइटिंग बनाते हैं 20K के अंडर के सेगमेंट पे, और आपको क्यों इसे बाय करना चाहिए या क्यों इसको एक थॉट देना चाहिए कि आपको सैमसंग गैलेक्सी M31S लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहला फीचर। इसका पहला फीचर है इंटेली कैमरा। जी हाँ दर्शकों, इंटेली कैमरा एक तरह का सैमसंग UI का एक फ़ीचर है जो आपके कैमरे को बहुत ही यूनिक बनाती है। जैसे आपको पता है इस फ़ोन में क्वाड कैमरा सेटअप दिया है, 64 मेगापिक्सल का इसका मेन कैमरा सेंसर रहने वाला है, 12 मेगापिक्सल का इसका सेकेंडरी और 5 मेगापिक्सल की इसके दो कैमरे आने वाले, जो एक मैक्रो फोटोग्राफी को सपोर्ट करने वाला है और एक लाइव फोटोग्राफी को सपोर्ट करने वाला है। तो जैसे आप जानते हैं कि ये जो कैमरा है वो इंटेली कैमरा एक सेटअप के साथ आने वाला है, जो सैमसंग काफ़ी दिनों से एंडोर्स कर रहा है। इंटेली कैमरे का फीचर ये होता है कि इसमें आप सिंगल क्लिक से मल्टीपल फोटो इमेजेस ले सकते हैं। जैसे अभी आप स्लाइड्स में देख रहे हैं, यदि मैं मल्टीपल क्लिक करके इसको होल्ड करता हूँ तो ये आपको बहुत सारी वैरायटी ऑफ फोटोज़ देता है उस टाइम फ्रेम में गई हुई। जैसे आपने बर्स्ट मोड यूज़ किया होगा सोनी के फ़ोन में, सेम वैसा एक मोड होता है। बट इसमें फ़ायदा ये होता है कि बर्स्ट मोड में खाली आप फोटो कैप्चर करते हैं, बट इनका जो सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन है उसमें आपको ये बेनिफिट मिलता है कि आप यहाँ पे कुछ शॉर्ट क्लिपिंग के वीडियोस, कुछ फ़ोटोज़ और कुछ उस वीडियोज़ में निकली वाली फ़ोटो को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं फॉर अ सिंगल शॉट। बहुत ही यूनिक फीचर है ये, कभी भी मिड रेंज के फ़ोन में आज तक सैमसंग ने नहीं दिया है, नहीं कोई और कंपनी है जिसके कैमरेज में ये फ़ीचर आता हो। चाहे आप ओप्पो का फ़ोन उठा लो, वन प्लस का फ़ोन उठा लो या वीवो का फ़ोन उठा लो, बहुत ही यूनिक फ़ीचर है, बहुत ही यूनिक ब्रांड है। क्योंकि कुछ माइन्यूट डिटेल्स रहती है जो आप कैप्चर करना चाहते हैं, या कुछ वो स्क्रीन शॉट होती है जब आप फ़ोटो जस्ट लेने के बाद आते हैं, जैसे कि कभी आई ब्लर हो गया या फिर कभी रेड आइज हो गया या फिर कभी आपका आई कैप्चर होते होते आपने ब्लिंक कर दिया या फिर आपका पोज जो है विद इन सेकेंड में चेंज होता है, तो ये उसके लिए बहुत ही यूनिक फीचर है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों जो सेकंड इसका बहुत ही स्ट्राइकिंग फीचर मुझे लगा वो है इसका रिवर्स चार्जिंग। जी हाँ, आपको ये पता ही होगा कि ये फ़ोन जो है 6000 mAh की बैटरी के साथ तो आता ही है, इसमें 25W का फास्ट चार्जिंग भी यहाँ सैमसंग ने दिया है, बट जो सबसे स्ट्राइकिंग फीचर मुझे लगा वो है रिवर्स चार्जिंग। दर्शकों मैं आपको बता दूँ रिवर्स चार्जिंग एक्चुअली होता क्या है। रिवर्स चार्जिंग वो एक ऐसा यूनिक फीचर है स्मार्टफोन का जिसके ज़रिए आप अपने फ़ोन से दूसरे किसी भी फ़ोन को यहाँ पर चार्ज कर सकते हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, रिवर्स चार्जिंग जो है वो हाई एंड के फ़ोन्स में आता है जिसमें हायर कैपेसिटी होता है, जैसे कि आप कुछ गेमिंग फोन्स देखे होंगे आपने उसमें रिवर्स चार्जिंग आता है, या फिर कुछ ली टीवी के फ़ोन हुआ करते थे जिसमें रिवर्स चार्जिंग का ऑप्शंस देते थे। रिवर्स चार्जिंग में बेनिफिट ये होता है कि जब आपकी कैपेसिटी हाई है तो आप अपने फ़ोन को एज अ पावर बैंक यूज़ कर सकते हैं। सैमसंग ने अपने फ़ोन में यहाँ पे फास्ट चार्जिंग के साथ साथ रिवर्स चार्जिंग का ऑप्शन दिया, जो कि बहुत ही यूनिक ब्लेंड है इस सेगमेंट में 20,000 की रेंज में। दर्शकों जो तीसरा बहुत ही स्ट्राइकिंग और यूनिक फीचर है वो है इसका One UI 2.0। जी हाँ, सैमसंग अपने हाई एंड के वेरिएंट्स में One UI देता है। जैसे आप गैलेक्सी S सीरीज़ देखेंगे, इसके फ़ोन में UI 2.0 आता है या 2.1 आता है। सैमसंग ने इस फ़ोन के साथ भी अपना UI 2.0 दिया है, जो आपकी UI कैपेबिलिटी, जो भी आपका यूज़र इंटरफेस रहता है उसको बहुत ही एनहेंस करता है। ये इनका जो भी आपका OS का प्लेटफॉर्म का जो एकदम ब्लेंडेड वर्जन होता है सैमसंग का, वो आपको यहाँ देखने मिलता है। मैं ऑक्सीजन OS और One UI दोनों को यूज़ किया है, तो जो मैंने यहाँ पे फीचर देखे हैं सैमसंग के, कुछ फीचर बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। जैसे कि आप स्मार्ट पैड यहाँ पे यूज़ करेंगे तो आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जैसे पेंसिल, हैंड राइटिंग टूल्स, बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे बिक्सबी का सपोर्ट तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन बहुत सारी इंटीग्रेशन है जो One UI में आपको मिलते हैं। आप स्क्रीनशॉट देखेंगे, कस्टमाइजेशन आइकॉन वाइज या ऐप ड्रॉवर्स आप देखेंगे, बहुत ही सैमसंग का पर्सनलाइज ये एक लॉन्चर्स होते हैं जो यहाँ पे आपको प्रोवाइड होते हैं, जो इस फ़ोन में आपको मिलेंगे।
जो सबसे यूनिक बात मुझे इस फ़ोन के सेगमेंट में ये लगी, सैमसंग ने कभी भी अपने एम सीरीज़ के किसी भी फ़ोन में इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले का यहाँ यूज़ नहीं किया है। तो सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले आपको मिलने वाला विथ फुल HD डिस्प्ले के साथ, और वो भी सुपर एमोलेड। सो क्या कहना, सैमसंग का हमेशा से ही सुपर एमोलेड पैनल सबसे बेस्ट रहा है, यदि आप इन टर्म्स ऑफ कलर और कॉन्ट्रास्ट कह लीजिए या स्क्रीन रेशियो कह लीजिए। अभी अच्छी बात यह है कि इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले के बाद की स्क्रीन और भी ब्यूटीफुल लगेगी। जब भी आप इसमें कोई मूवी व्यू करते हैं या फिर कुछ भी ऐसा इंटरेक्टिव गेमिंग खेलते हैं, ये स्क्रीन आपको बहुत ही ज़्यादा यूनिक फीचर देगी। साथ ही साथ इसमें HDR10 का सपोर्ट तो नहीं है, बट जो इसकी कैपेबिलिटी है वो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि इसमें 1000 nits का डिस्प्ले भी दिया है सैमसंग ने। साथ ही साथ जो इसका PPI है वो भी बहुत ही हायर एंड का है, DPI भी इसका बहुत ही अच्छा है, और जो कलर सैचुरेटेड की है सैमसंग ने, इसमें आपको बहुत सारे कस्टमाइज ऑप्शन मिलेंगे जो आपके कॉन्ट्रास्ट रेशियो और शार्पनेस को डिटेल में यहाँ पे दिखाएंगे। दोस्तों जो फिफ्थ और सबसे अनोखा स्ट्राइकिंग पॉइंट है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, सैमसंग ने इस फ़ोन में भी 3.5mm को डिच नहीं किया है। जी हाँ, आप इसके बॉटम में 3.5mm जैक यहाँ देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक्सपेंडेबल मेमोरी का ऑप्शन भी मिलता है, जो इस सेगमेंट के फ़ोन में नहीं मिलता है। बहुत सारे फ़ोन कंपनीज हैं अभी अपने एक्सपेंडेबल स्टोरेज के ऑप्शन को डिच करती जा रही है। जैसे आप वन प्लस देखेंगे तो उसमें स्टैंडर्ड वेरिएंट आता है, या आप 128 GB ले लीजिए, 256 GB ले लीजिए, बट इन टर्म्स ऑफ सैमसंग ये आपके लिए बहुत ही एडेड एडवांटेज हो सकता है, क्योंकि आप मेमोरी कार्ड की हेल्प से अपने स्टोरेज सेगमेंट को बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ जो यहाँ पर RAM GB वेरियंट देने वाले हैं, वो यहाँ पे 4GB, 6GB और 8GB का ऑप्शन में आने वाला है। अभी अच्छी बात यह है कि सैमसंग ने अपनी जो भी आधिकारिक सूचना जो भी हैंडलर्स के द्वारा बताया, ये कहा है कि 20,000 में इसका सबसे हायर वेरिएंट आ सकता है। तो अभी ये देख सकते हैं कि 8GB, 128GB आपको 20,000 के अंदर अंदर रेंज में मिल सकता है। तो दर्शकों, आपको मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन यदि फ्रूटफुल लगी होगी तो प्लीज़ एक इसे लाइक दीजिए। यदि आपको कुछ भी यहाँ पे क्वेरी हो, आप प्लीज़ मुझे कमेंट इनबॉक्स में कमेंट करिए। आप मेरा पुराना वीडियो भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने डिटेल रिव्यू दिया है इसके एक स्पेसिफिकेशन फीचर्स का, कैमरा फीचर्स का, और जो जो इसमें यूनिक चीज़ आने वाली है उसके बारे में। आप प्लीज़ उस वीडियो को वॉच करिए। 30th of July को 12 बजे इसका लॉन्च इवेंट है, और 6th of August को ये फ़ोन लॉन्च होने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।